भाई मैं ऐसे एप्लीकेशन ढूंढ रहा हूँ जिसमें ट्रेड करूँ, बट मेरे पास कैपिटल अभी कम है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे को एक ऐसा पेपर ट्रेडिंग ऐप बताओ जिसमें मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँ और उसमें मेरा कैपिटल भी वाइप आउट ना हो। ठीक है, मैं सीख जाऊँ, सीखने के बाद मैं उन रियल से स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मेरे को सीखने के लिए एक वर्चुअल मनी चाहिए, तो मेरे को आप एप्लीकेशन रिकमेंड करो। पेपर ट्रेडिंग ऐप फॉर बिगिनर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी डून ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में कि भाई मेरे को ट्रेडिंग शुरुआत करनी है शेयर मार्केट, मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता है, स्टार्टिंग है मेरी, मेरे पास कैपिटल भी अभी कम है, मैं क्या करूं कि भाई मैं सीख भी जाऊं ट्रेडिंग, उसके बाद मैं रियल मनी से करूं। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई आप पेपर ट्रेडिंग करो, जिसे वर्चुअल ट्रेडिंग भी कहते हैं, वर्चुअल मनी मिल जाती है आपको, उसमें आप उससे ट्रेड कर सकते हो, रियल मनी नहीं होती आपकी। ठीक है, ये पेपर ट्रेडिंग में क्या होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग के फायदे बता देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग में क्या है, आप एकदम बेसिक सीख जाओगे, अच्छे से बेसिक सीख जाओगे, बेसिक से थोड़ा आगे भी आप बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, आपको सबसे पहले ऑर्डर लगाने नहीं आते होंगे, आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता होगा, ये सब आता भी है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में आप जब स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहे होंगे तो आप अगर पेपर ट्रेडिंग से करोगे तो आपका उसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी कभी कभार वर्क नहीं करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, आप अच्छे से सीख गए हो, आपने बिगनर, आपका बिगनर पीरियड जो है वो एकदम खत्म हो चुका है, आपने सीख लिया है, आपने समझ लिया है स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कब मार्केट ओपन होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आपने ये सब चीज़ें सीख ली, उसके बाद क्या करोगे, आप डायरेक्ट जो है रियल ट्रेडिंग में आ जाओगे। अब इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान ये है, देखो पेपर ट्रेडिंग से आप जब रियल में आओगे तो बहुत ज़्यादा फर्क है। फर्क क्या होगा, देखो जब आप रियल में आओगे तो रियल में आपका इमोशन आएगा, आपका फियर क्रिएट होगा, वहाँ पर जब आप रियल ट्रेडिंग करोगे वहाँ पर आपका फियर क्रिएट होगा, जहाँ फियर क्रिएट होगा वहाँ पर आपको जो है आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी रॉन्ग होगी। डिफरेंस ये होता है, देखो जब रियल मनी आती है वहाँ पर आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है, समझते हो। मैं आपको पहली ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है डिफरेंस आएगा आपको, बट मेन चीज़ ये है आपको ऑर्डर इनिशिएट करना आ जाएगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट भाई वर्क कैसे करता है, आपके स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका लॉसेस वहाँ का आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मेरी कैपिटल कम है। ठीक है, तो वहाँ से आपका वो आपका लॉसेस बच जाएगा, क्योंकि आपको शुरुआत में भाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं आता आपको, क्योंकि गलतियाँ होती है शुरुआत में, तो उससे आप सीखते हो। तो आप वही चीज़ अगर आप पेपर ट्रेडिंग में कर लोगे तो आपकी शुरुआत जो होगी वो एकदम आगे की आपकी कैपिटल सेफ हो जाएगी, फिर आप उसका रियल मनी में आ जाओगे, उसके बाद रियल मनी से स्टार्ट करोगे। मैं आपको दो एप्लीकेशन बताऊंगा पेपर ट्रेडिंग की, जिसमें आप लोग अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, बेसिकली आप स्विंग ट्रेडिंग भी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का दो एप्लीकेशन बताऊंगा, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसमें आप ऑप्शन भी कर सकते हो, बट एक सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन में और स्क्रीन में समझते हैं इसे डिटेल। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल में, गूगल में आपको सर्च कर न्यू स्टॉक, ठीक है, न्यू स्टॉक आपको सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर दे, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइड में आप देख सकते हो newstock.com, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर साइन इन, यहाँ पर नंबर डाल के अपना साइन इन कर लेना है, बहुत सिंपली आपका यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा जैसे आप साइड में क्लिक करोगे। अब हम आते हैं, आप यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका PNL है, मतलब आप अगर पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत मतलब एकदम रियल लुक, जैसे आप जीरोधा वगैरह में करते हो, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो द डून ट्रेडर लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई आ रही है, इतनी अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सर्च का आएगा, यहाँ पर आप सपोज आप सर्च कर सकते हो SBI, ठीक है, आपने यहाँ पर आप SBI को बाय कर सकते हो। ठीक है, SBI हो गया, आप सर्च कर सकते हो विप्रो, ठीक है, विप्रो जैसे आपको यहाँ पर आ गया, आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, सपोज हमें विप्रो का फ्यूचर बाय करना है तो डायरेक्टली हमें यहाँ से बाय में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप मार्केट में करना है, लिमिट में करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आज इसमें आ जाएगी, मतलब आप इसमें सीखो मेन बात ये है। फिर यहाँ से आपने ये करा, यहाँ से आपको दिख गया कि आपने यहाँ पर इसका प्राइस अभी इतना चल रहा है फ्यूचर, और आप डायरेक्ट नॉर्मल स्टॉक भी बाय कर सकते हो, जैसे नॉर्मल चल रहा है अभी 400 का, तो हमने क्या करा यहाँ पर हमने फ्यूचर बाय कर लिया। ठीक है, अब फ्यूचर भी अब अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, देखो जैसे अब यहाँ पर हमने बाय कर लिया, अब हम विप्रो का नॉर्मल स्टॉक बाय करेंगे। ठीक है, अब हम विप्रो के जो है हम शेयर्स बाय करेंगे, अभी जो चल रहा है विप्रो 398 का चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 50 क्वांटिटी, हम जो है इजीली यहाँ पर बाय कर लेते हैं मार्केट प्राइस में। ओके, तो हमारी विप्रो की जो है यहाँ पर हमने विप्रो भी बाय कर लिया, तो सिंपल हमें देख सकते हो कितने सिंपली यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे हमें बाय करना है। सपोज हम यहाँ पर अभी SBI हमारा खुला हुआ, हम क्या कर लेंगे यहाँ बैंक निफ्टी, ठीक है, जो कोई भी ऑप्शन में, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पेपर ट्रेडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
और ऑप्शन के लिए नहीं मिलता है, तो आप न्यू स्टॉक में आप ऑप्शन के लिए भी कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे 40,500। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है 40,500 में चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर 40,500 में क्या कर लेंगे, हम यहाँ से पीई ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, पीई बोले तो नीचे, पीई बोले तो ऊपर। पीई के लिए हमने ऑप्शन के अंदर बाय करा, क्योंकि हमने यहाँ पर बाय करी, यहाँ पर 50 क्वांटिटीज हमने बाय करी, यहाँ पर लिख गया मार्जिन इतना लगा हुआ है इसमें। ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस हम यहाँ से भी लगा सकते। ठीक है, हमने सिंपली हमने बाय किया, तो देखो कितना इजी है इसे बाय करना, आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो काफी अच्छा, देखो प्राइस भी देखो कितना कितनी जल्दी मूव हो रहा है, देखो पुट का। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिंपली देखो आप हमारा प्रॉफिट भी चलने लग गया है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी देख सकते हो, यहाँ से हमने जहाँ से हमने पुट बाय करी वहीं से एक डाउन का साइड का मूव ले रहा है। तो देखो ऐसे कुछ आप न्यू स्टॉक को आप यूज करते हो सिंपली। ठीक है, देखो एकदम देखो डाटा देखो कितना सही चल रहा है, जैसे ऑप्शन में चलता है जैसे आप बाय करोगे। अब हम मोबाइल की भी बात करेंगे कि मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर कोई सा आपको जो आपके लिए जो अच्छा हो वो हम उसकी बात करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अपने मोबाइल में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ से हमें अभी भी पुट का ही ट्रेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने अपने मोबाइल खोल दिया है, मोबाइल में हमें न्योटा ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सपोज हमने बोला कि वही वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 40,500। ठीक है, 40,500 का हम ले लेते हैं पीई। ठीक है, हम पुट ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पुट को इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल इसको चलाना है। यहाँ से हम कर देते हैं इसे यहाँ से कर देते हैं हम 100 क्वांटिटी हम बाय कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वर्चुअल मनी है, इसे रियल मत समझिए, जैसे बाय कर ले। ठीक है, जैसे मार्जिन इसमें इतना नहीं है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर इजली बाय हो चुका है। तो देखो ऐसे करके हम सिंपल अपनी पेपर ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, पहले जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से हमने एक पुट की पोजीशन ले ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से पुट की पोजीशन ली, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसकी बात कर देते हैं। ठीक है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है। सपोज हमने बोला कि हमने यहाँ से इसको बाय देख लेते हैं, पहले हमने बाय करा हुआ है इसे, एग्जीक्यूट में देख लेते हैं, हमने बाय करा हुआ है इसे 421 में, हमें लगाना है यहाँ पर 400 में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 400। तो यहाँ पर बहुत SLB लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर SL लग गया तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब हमारे यहाँ 400 का SL लग गया, मतलब यहाँ पर हम अपनी पोजीशन 400 में कट जाएगी। तो आपने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया तो ये पोजीशन क्लोज होगी। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसे यूज करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखो दो ही आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बाकी जो है मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। जो मेरे को लगता है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे यूज करो और ट्रेडिंग अपनी और बेहतर बनो। ठीक है, रियल मनी अगर आप शुरू में देखो आपको बेसिक बिल्कुल नहीं पता है, अगर आप उस टाइम रियल मनी से स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक गलत सौदा होगा कि भाई आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो और मतलब आपका लॉसेस भी हो रहा है ऑप्शन के अंदर। देखो बेसिकली ये जो ऐप से ये ऑप्शन के अंदर है, बाकी जो फ्री वाला है आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाना है आपको, सिंपल आपको करना है पेपर ट्रेडिंग को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करा, उसके बाद क्या कर सकते हो आपने, ठीक है ये मैंने पहले की करी है, तो जैसे आपको कोई भी स्टॉक है, जैसे आपने यहाँ पर आपने ले लिया है 50 माइनस, तो आपको ये करना है, आपने सपोज यहाँ से आपको इसे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक, तो आपने यहाँ से क्या करा, इसको बाय करा, फिर यहाँ से क्वांटिटी अपनी एग्जीक्यूट कर दी। तो ये देखो ये भी सिंपल एक तरीका है, आप ट्रेडिंग व्यू से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन के लिए आपको ये जो मैंने आपको दो ऐप्स बताए, ठीक है, न्यू स्टॉक्स और न्योटा, ये दोनों आपके लिए बेस्ट है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ऐसी वीडियो नॉलेजेबल वीडियो आपके इस चैनल में आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।